जिसमें मेरे धक्के चढ़ गए ना, तुम में से कोई भी तेरे आसपास के नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। हम बात करेंगे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की सुरक्षा के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे उनके सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड शेरा ने सालों से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई है, और अगर सलमान खान विदेश में होते हैं तो क्या विदेशी पुलिस उन्हें सुरक्षित रख पाएगी। इसके अलावा हम सलमान खान की सुरक्षा पर होने वाले खर्च के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह दिलचस्प वीडियो। सलमान खान, जिनका नाम सुनते ही बॉलीवुड के दबंग की छवि हमारी आंखों के सामने आ जाती है, हमेशा से विवादों में रहे हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी इतनी जबरदस्त है कि जहां भी जाते हैं वहां भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाना कोई आसान काम नहीं है। सलमान खान की सुरक्षा के लिए एक खास शख्सियत का नाम लिया जाता है, शेरा। शेरा का असली नाम गुरमीत सिंह जौली है, और वो पिछले 25 सालों से सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। शेरा ने अपनी निष्ठा और बहादुरी से सलमान खान का विश्वास जीता है। शेरा, जिनका असली नाम गुरमीत सिंह जौली है, ने अपनी सुरक्षा पेशेवर यात्रा की शुरुआत बाउंसर के रूप में की थी। उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए कई प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त की। शेरा ने मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग और आत्मरक्षा के विभिन्न रूपों में प्रशिक्षण लिया है, जिससे उन्हें अपने काम में दक्षता हासिल हुई। इसके अलावा उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और संकट प्रबंधन पर विशेष कोर्स किए हैं, जिससे वह किसी भी स्थिति में सलमान खान की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। शेरा की ये ट्रेनिंग उन्हें न केवल शारीरिक बल में बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार करती है, ताकि वे संकट की स्थिति में त्वरित निर्णय ले सकें और सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सकें। उनके अनुभव और प्रशिक्षण ने उन्हें एक कुशल बॉडीगार्ड बना दिया है, जो हमेशा सलमान खान की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। शेरा का सलमान खान से जुड़ने का सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। शेरा ने अपनी करियर की शुरुआत एक बाउंसर के रूप में की थी, और धीरे धीरे अपने कड़े मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने सलमान खान का विश्वास जीत लिया। आज शेरा न सिर्फ सलमान खान के बॉडीगार्ड हैं, बल्कि उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं। शेरा ने हमेशा सलमान खान के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है, चाहे वो फिल्म की शूटिंग हो, कोई इवेंट हो या फिर कोई पब्लिक अपीयरेंस। शेरा हमेशा सलमान खान के साथ रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सलमान खान को किसी भी तरह के खतरे से बचाएं। अब सवाल ये उठता है कि अगर सलमान खान विदेश में होते हैं तो क्या विदेशी पुलिस उनकी सुरक्षा कर पाएगी। विदेशों में सुरक्षा के मानदंड और तरीके भारत से काफी अलग होते हैं। वहां की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सलमान खान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त होंगे। विदेशी पुलिस का काम करने का तरीका अलग होता है। वहां की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से कानून और नियमों के तहत काम करती हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत और संगठित होती है। लेकिन किसी भी सेलिब्रिटी की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके व्यक्तिगत बॉडीगार्ड का रोल, जो हर समय उसके साथ रहता है। शेरा की मौजूदगी में सलमान खान की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होती। शेरा न सिर्फ सलमान खान की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, बल्कि उन्हें हर खतरे से बचाते भी हैं। शेरा का अनुभव और उनकी सतर्कता सलमान खान के लिए एक ढाल की तरह काम करती है। शेरा को सलमान खान की आदतें और उनकी दिनचर्या का पूरा ज्ञान है। वो जानते हैं कि किस समय पर कौन सी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है। यही वजह है कि सलमान खान ने शेरा पर हमेशा भरोसा किया है, और वो उनके साथ हमेशा बने रहते हैं। विदेशों में भी शेरा सलमान खान के साथ होते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। शेरा का अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी बहुत अच्छा है, और वो जानते हैं कि विदेशों में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है। विदेशों में शेरा न सिर्फ सलमान खान की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, बल्कि वहां की स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं। इससे सलमान खान की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाती है। अब बात करते हैं सलमान खान की सुरक्षा पर होने वाले खर्च की। किसी भी सेलिब्रिटी की सुरक्षा पर काफी बड़ा खर्च होता है, और सलमान खान की सुरक्षा में भी कोई कमी नहीं होती। शेरा की सैलरी सलमान खान की सुरक्षा के खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेरा की सालाना सैलरी लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास होती है। इसके अलावा
सलमान खान की सुरक्षा में अन्य खर्च भी शामिल होते हैं, जैसे कि उनकी टीम के अन्य सदस्यों की सैलरी, सुरक्षा उपकरण और अन्य व्यवस्थाएं। विदेशों में सलमान खान की सुरक्षा के लिए भी काफी खर्च होता है। विदेशी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है। विदेशों में सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल होता है, जो कि खर्चीले होते हैं। सलमान खान की सुरक्षा में कई महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। उनमें से एक है सलमान खान की पब्लिक अपीयरेंस। जब भी सलमान खान किसी पब्लिक इवेंट में जाते हैं, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुनिश्चित करना होता है। शेरा इस बात का ध्यान रखते हैं कि सलमान खान को किसी भी तरह का खतरा ना हो। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सलमान खान की शूटिंग्स। जब भी सलमान खान फिल्म की शूटिंग करते हैं, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद रखा जाता है। शेरा और उनकी टीम इस बात का ध्यान रखते हैं कि शूटिंग के दौरान कोई भी अनचाहा व्यक्ति वहां न पहुंचे। विदेशों में सलमान खान की सुरक्षा में विदेशी पुलिस और शेरा का समन्वय बहुत महत्वपूर्ण होता है। विदेशी पुलिस का अनुभव और उनकी तकनीकी क्षमताएं शेरा के अनुभव और सतर्कता के साथ मिलकर एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करते हैं। विदेशी पुलिस के साथ मिलकर काम करना शेरा के लिए भी एक चुनौती होती है, लेकिन उनका अनुभव और उनकी निष्ठा इस काम को आसान बना देती है। विदेशी पुलिस और शेरा का यह समन्वय सलमान खान की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। सलमान खान की सुरक्षा में कई चुनौतियां होती हैं। एक ओर जहां उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, वहीं दूसरी ओर उनके कई विरोधी भी हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। शेरा और उनकी टीम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि सलमान खान को किसी भी तरह का खतरा ना हो। उनकी सतर्कता और उनके अनुभव के कारण सलमान खान की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आती। शेरा की निष्ठा और सलमान खान का भरोसा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। शेरा ने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया है और सलमान खान ने हमेशा उन पर भरोसा किया है। शेरा की निष्ठा और उनकी सतर्कता के कारण ही सलमान खान ने उन्हें अपने बॉडीगार्ड के रूप में चुना है और इतने सालों से उन पर भरोसा किया है। शेरा ने भी हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया है और सलमान खान की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। तो दोस्तों, यह थी सलमान खान की सुरक्षा की कहानी और उनके भरोसेमंद बॉडीगार्ड शेरा की निष्ठा की दास्तान। हमने जाना कि कैसे शेरा ने सालों से सलमान खान की सुरक्षा का जिम्मा उठाया है, और अगर सलमान खान विदेश में होते हैं तो विदेशी पुलिस के साथ मिलकर उनकी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जाता है। साथ ही हमने सलमान खान की सुरक्षा पर होने वाले खर्च के बारे में भी चर्चा की। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।